मॉर्निंग एवरीवन, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर काम कर रहे थे और बहुत हद तक सिलेबस एंशियंट इंडिया का पूरा हो गया। हार्डली 5-7 दिन के टॉपिक्स रह गए हैं, हद से हद 10 दिन के, अदरवाइज ये लगभग कंप्लीशन पर आ गया। कल जहाँ टॉपिक रह गया था, कनिष्क के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और हम जानते हैं कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कुषाण वंश वो वंश है जो विदेशी है, लेकिन कनिष्क नाम से ही लगता है कि इंडियन राजा था। बहुत काम किया और दो दो राजधानियां बनाई थी, एक पेशावर में पाकिस्तान में और एक मथुरा में, यानी पाकिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा और इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा इन्हीं के आधिपत्य में रहा। इन्होंने चौथी बौद्ध महासंगीति का अपने एरिया में कुंडलवन कश्मीर में आयोजन करवाया और पाटलिपुत्र पर जब इन्होंने अटैक किया था तो वहां से ये तीन चीजें ले गए थे, जिनमें से एक आदमी था अश्वघोष। ये वही अश्वघोष है जो बहुत ज्ञानी आदमी है, जिसने बौद्ध धर्म के ऊपर किताब भी लिखी है। यही चौथी बौद्ध महासंगीति का अध्यक्ष भी बना, एक भविष्य बताने वाला मुर्गा लेकर गए थे और एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र भी था पाटलिपुत्र में, उसे भी ले गए थे कनिष्क। तो कनिष्क जिनके पिताजी थे विम कर्फिसेस, वो आदमी जिसने इंडिया में सोने के सिक्कों का यूज किया था नियमित तरीके से। वैसे सोने के सिक्के ले आए थे हिंद यवन जो सबसे पहली स्टार्टिंग पढ़ी थी हमने, जिसमें चार नाम बताए थे तुम्हें अलग अलग वंश में। तो हिंद यवनों ने सोने के सिक्के चलाए, इंट्रोड्यूस किए, लेकिन उनकी टेरिटरी उतनी डिफाइंड नहीं थी, थोड़ा ये मान लीजिए कि उतने प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल की है या चले भी नहीं थे। इसके बाद जो कुषाण वंश के थे, इनकी टेरिटरी बड़ी थी, इन्होंने तो बहुत दूर दूर तक अपना फैला दिया था ना। तीन नाम बताए थे, पंजाब को जीता, आज के पाकिस्तान के पंजाब को, और वहां फिर अपनी राजधानी बनाई थी पेशावर। उसके बाद इनका बेटा राजा बना कनिष्क, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने काम किया, क्योंकि उसका सिल्क रूट पर भी कब्जा था। सिल्क रूट के तीन अलग अलग रास्ते थे, स्टार्टिंग सबकी चीन से थी, सारे भारत से होके फिर डायरेक्शन चेंज करते थे। तीन सागर बताए थे याद करने के लिए, एक कैस्पियन सागर जो दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है, एक लाल सागर रेड सी जिसे कहते हैं, और एक था काला सागर। तो इन तीनों सागरों तक पहुंचने वाले इन रास्तों पर इंडिया का आधिपत्य था, किसके काल में, कनिष्क राजा के टाइम पर। तो कनिष्क की दोनों राजधानियों की इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी, पेशावर में कैसे वो 13 मंजिला एक विहार बनाया था उन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए, और कैसे मथुरा में वो देवकुल बताया था जहां आदमकद की मूर्तियां रखी हुई थी, हिंदू धर्म की भी, महात्मा बुद्ध की भी, हमारे देवताओं की भी, अपने पिताजी विम कर्फिसेस की और अपनी खुद की मूर्तियां भी। तो हमने ये देखा कि कनिष्क कैसे धीरे धीरे करके बड़ा राजा बना और कनिष्क के टाइम पर प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। कनिष्क के बाद आने वाले राजा उतने प्रतापी नहीं हुए, इसलिए हिस्ट्री में उनका नाम उतने इंपॉर्टेंट तरीके से नहीं लिखा गया है, ना ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी एक आधे का नाम हम आज डिस्कस कर लेंगे। कनिष्क का जो ये फेमस टाइम पीरियड है ना, इसकी जानकारी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि इसके मरने के बाद भी इसके टाइम पे क्या कुछ हुआ वो लिखित में मूर्तियों के माध्यम से हम तक पहुंचा। तो कनिष्क के टाइम पे ये राजा कब बना था, 78 एडी में इसने अपना कामधाम संभाला। 15 ईस्वी याद होगा ना, इसके दादाजी आए थे, इनका नाम था कुजुल कड़फिस, ये विम, हाँ कुजुल पहले आया, फिर विम कड़फिस इनके पिताजी, फिर ये खुद थे। तो 78 ईस्वी में जब ये राजपाट गद्दी संभालते हैं तो इसी साल एक संवत भी स्टार्ट किया था, कल मैंने नाम बता दिया था, शक संवत है, जिसका पहला महीना कौन सा माना जाता है, चैत्र। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो आज भी चैत्र बैसाख आषाढ़ फागुन इस तरह की बातें करते हैं, वो जनवरी फरवरी से नहीं समझ पाते, यानी आज भी वो शक संवत को ही फॉलो करते हैं। हमारी सरकार ने भी शक संवत को इंडिया के कैलेंडर का बेस माना है, ठीक है, लेकिन हाँ रोजमर्रा में हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बातचीत करते हैं। चलिए, तो कनिष्क ने क्या काम किया था मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, दो शैलियां मैं बताना चाह रही थी, एक इंडिया की शैली है मथुरा शैली और एक मिक्सचर है हमारा और यूनानियों का, क्योंकि यूनानी भी तो यहाँ आए थे ना, हिंद यवन अगर आपको याद हो, तो विदेशों के अटैक भी यहाँ हुए, कुषाण भी विदेशी हैं, हिंद यवन भी विदेशी थे, शक भी बाहर के थे, पहलव भी बाहर के थे, तो इन सब लोगों के कारण इंडिया में धीरे 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 आर्ट में परिवर्तन आया और दो शैलियां मेन यहां पनपी, एक देसी हमारी मथुरा शैली मथुरा के आसपास और एक मिक्सचर शैली हेलेनिस्टिक शैली जिसे कहते हैं। इन दोनों में मूल अंतर क्या था, दोनों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है ना वो हमारे इंडियन मथुरा शैली में बनी है, बुद्ध की फर्स्ट मूर्ति जो बनी है, लेकिन ज्यादा मूर्तियां नहीं बनी, ज्यादा जो बनी है वो बनी है गांधार शैली में। गांधार आप समझ गए हैं, कंबोज गांधार, ये पाकिस्तान के इलाके थे, आज के पाकिस्तान के तब का भारत था। तो इन शैलियों की में बेसिक अंतर क्या है, उस अंतर को ना समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि तुम लोगों को वो बेस क्लियर हो जाए। बचपन से पढ़ते थे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती, समझ कभी नहीं आई, आज फाइनली समझ लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। देखो सबसे पहले गांधार शैली और मथुरा शैली, ये नोट्स की फॉर्म में लिख लेना बाद में, क्योंकि तभी याद रहेगा वरना लंबे टाइम में भूल जाओगे। मथुरा शैली कहाँ होगी, मथुरा के आसपास होगी, नाम ही मथुरा शैली है। जो गांधार शैली है ये गांधार में है, तक्षशिला आप जानते हैं पाकिस्तान का हिस्सा, बामियान भी इसी से अफगानिस्तान के पास और पेशावर पाकिस्तान, यानी आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान, तब के इलाकों में बामियान में बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां हैं। और आपको पता होगा कई बार जब ये धार्मिक झड़प होती है तो बामियान में ही, मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले की घटना है, महात्मा बुद्ध की जो ये बहुत बड़ी आदमकद की मूर्ति थी ना, इसको लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया था। तो बामियान इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, गांधार और पेशावर। तो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान साइट अगर बात करें, उस तरफ जो शैली पनप रही थी वो गांधार शैली थी, क्योंकि उसमें मिक्सचर था कई सारों का, यूनान का भी, रोम का भी, इंडो ग्रीक भी, मिक्सचर थी ये शैली। अब देखो इसमें किसकी मूर्तियां हैं, जो गांधार की है ना, तो इंडिया से बाहर की तरफ, इसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्व
जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध का चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ा था, मैंने समझाया था, छह बोधिसत्व थे, छह नाम के साथ बताए थे उनके, बताया था किसी को चक्रपाणि कहते हैं, हाथ में चक्र है, किसी के में कलश था, मैत्रेय, अगर तुम्हें याद हो ये नाम, ये इंपॉर्टेंट थे, मंजूश्री करके। तो ये सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं ना इसमें, ये महात्मा बुद्ध की हैं या बोधिसत्वों की हैं। कितने बोधिसत्व थे? छह, जिनको कहा जाता है, जिनमें एक शाक्य थे, एक भावी बुद्ध थे, अलग अलग नाम थे। तो मैत्रेय की मूर्ति बहुत ज्यादा है, सिर्फ महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्वों की प्रतिमाएं हैं। कितने बोधिसत्व हुए हैं? छह। जबकि जो हमारी मथुरा शैली है ना, इसमें अकेले महात्मा बुद्ध की नहीं है, महात्मा बुद्ध की जैन धर्म की भी है लेकिन हिंदू धर्म की भी है। भाई मथुरा के आसपास तो हम ये मानते हैं ना कृष्ण और इन सबको जोड़ के, तो याद रखना ये जो विदेश की तरफ है इसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं आदमकद की, लेकिन जो अपनी शैली है इसमें हिंदू धर्म की भी, यानी देवी देवताओं की भी मिलेंगी, इसमें जैन धर्म की भी है और बौद्ध धर्म की है। ऐसा ही कुछ कुछ ना अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी है। अजंता एलोरा में क्या है? अजंता सिर्फ महात्मा बुद्ध से जुड़ी है, जबकि एलोरा बुद्ध भी है, जैन भी और हिंदू धर्म की भी है। ऐसे ही सेम ये शैली है, इसमें सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्व, जबकि अपने वाली में हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। ये मथुरा के आसपास, ये बामियान, पेशावर, तक्षशिला, आज के पाकिस्तान को मान लें, अफगानिस्तान को मान लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा क्या अंतर है? गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी है ना, इसमें या तो काला रंग यूज हुआ है या सलेटी रंग। तो काला सलेटी का मिक्सचर है, वायलेट टाइप का कलर है, तो काला सलेटी पत्थर का यूज किया गया गांधार में। जबकि जो इंडिया के मथुरा में है ना, इसमें लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया। तो मूर्तियां किसी चीज से बनती है ना, जो विदेशी के आसपास मिली है वो काले और सलेटी रंग के पत्थर से है, जबकि जो मथुरा में मिली है ये लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन से बनी है। इनसे पता चलता है कि शैली अलग है, अपने यहाँ लाल बलुआ पत्थर की और जो बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान है वो काला सलेटी पत्थर। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी गांधार में, लेकिन पहली मूर्ति जो महज राजा बनने के 3 साल बाद बना दी थी, 78 ईस्वी में तो राजा बना था, 81 में उसने मूर्ति बनवा दी थी, पहली मूर्ति वो बनवाई थी मथुरा। ये दो अलग बातें हैं, अगर पहली मूर्ति आया तो मथुरा शैली टिक करना अपने वाली, लेकिन ज्यादा मूर्तियां आई सर्वाधिक तो गांधार शैली। राजा बनते ही मथुरा वाली में काम करवाया, लेटर स्टेज में गांधार शैली में ज्यादा मूर्तियां बनी। किस किस की है? महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की, अपने वाली हिंदू भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। नेक्स्ट देखो, इसमें अपोलो देवता है, यूनान, जो ये यूरोप का इलाका था ना यूनान का, यहाँ एक भगवान थे अपोलो भगवान, और जैसे हमारे यहाँ सूर्य देव है ऐसे इनके अपोलो भगवान थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो विदेश वाले हैं, इन्होंने भगवान की तरह उसको दिखाया है, क्यों भगवान की तरह, और भगवान के रूप में देखो अपोलो देवता सूर्य के समान बुद्ध को दिखाया। पर ये तो मेनली बुद्ध के ऊपर फोकस करें ना, हम तो देवी देवताओं बुद्ध सबकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य के समान। अब सूर्य आपने देखा है, जो सूर्य हम अपने इंडियन भगवानों में भी देखना, बहुत बार आभा मंडल दिखाते हैं, आभा मंडल समझते हो, किसी भी भगवान के पुराने तुम्हारे घरों में जब कैलेंडर्स लाते थे, हमारे पेरेंट्स की एज के जो लोग थे ना, वो हर दिवाली पर, हर त्यौहार पर कैलेंडर लाते, तो कैलेंडर में कोई भी भगवान जब बना होता तो उनके सिर के पीछे एक ऐसे गोल सा चक्र बनाते, उसमें से किरणें निकल रही होती थी, या आज भी कोई माइथोलॉजिकल नाटक आप देखेंगे तो सिर के पीछे से किरणें टाइप निकल रही होती हैं, इसे कहते हैं आभा मंडल। तो ये जो है ना विदेशी वाले, इन लोगों ने क्या किया, आभा मंडल बनाया है, महात्मा बुद्ध को भगवान दिखाया ना, तो बुद्ध के चारों तरफ ऐसे जैसे कोई लाइटनिंग से निकल रही है आभा मंडल। कपड़ा कैसा पहना है? जीना, इसमें से शरीर जो है वो आर पार दिख रहा है। कई बार आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में दिखाते हैं इस तरह के पिक्चर्स में कि कैसे चादर से डाल रखी है और उनकी बॉडी का जो कलर है, स्किन कलर, वो उसमें से बाहर आ रहा है। तो ये जीने कपड़े का यूज किया इन्होंने, जहां कहीं इन्होंने पिक्चर बनाई ना बहुत लाइट कपड़े का, जबकि हमने नहीं, हमने प्रॉपर वस्त्र, हमारे जो भगवान है देखो जो वो कपड़े पहनाते हैं हम, वो प्रॉपर तरीके से गाढ़े टाइप के वस्त्र पहनाते हैं, जबकि जो ये वाले आर्ट है ना इसमें जीना कपड़ा है। आभा मंडल इन्होंने यूज किया लेकिन कपड़ा जीना। यहां देखो, हमने आध्यात्मिक स्वरूप में इनको दिखाया, भगवान की तरह नहीं है, हैं भगवान मान लिया बहुत सारे लोगों की नजरों में, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोई इस तरह का ज्ञानी पुरुष, आभा मंडल नहीं दिखाया उस तरफ, आभा मंडल है यहां नहीं है, मोटा कपड़ा पहना हुआ दिखाया, जैसे हम अपने देवताओं को दिखाते हैं, इनका कपड़ा जीना है, आभा मंडल है, ये भगवान की तरह है। यहां आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक आत्मा के रूप में मोटा कपड़ा पहना के और कोई आभा मंडल नहीं बनाया। कैसा पत्थर यूज किया हमने? लाल बलुआ पत्थर, उन्होंने काला सलेटी पत्थर। ये इंडिया के मथुरा के आसपास है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बामियान, पेशावर, तक्षशिला, गांधार के आसपास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, इंसान की भांति दिखाया है इन्होंने देवता को, मतलब एक देवता बना दिए लेकिन वो इंसान जैसे लगते हैं। तो जहां बोधिसत्वों की पिक्चर आती है, आपने महात्मा बुद्ध को देखा ना, वो तो क्लीन शेवन थे, दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते, लेकिन बोधिसत्वों की जो पिक्चर है ना उसमें दाढ़ी मूछ ये सब दिखाया जाता है। तो इंसान की तरह पोर्ट्रे किया गया है कि भाई वो इंसान के जैसे लगते हैं लेकिन है भगवान। तो इंसान की भांति दिखाया, दाढ़ी मूछ, मांसपेशियां, शरीर पूरा इस तरह से दिखाया कि वो देखने में इंसान लगे, लेकिन आभा मंडल बना दिया, तो वहां डिफरेंस है। कपड़ा कैसा पहनाया? जीना, वैसे इंसान की तरह है। यहां अपनी देसी कला है, मथुरा शैली है तो अपनी देसी कला है, ये मिश्रित कला है, ये मिक्सचर है, क्योंकि विदेशियों ने अटैक किया था ना पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, तो विदेशी आए थे तो उन पे प्रभाव ज्यादा पड़ा, हमारे यहां तक नहीं पहुंचे उतने, तो हमारी देसी कला रह गई, उतना नहीं है। अब देखो किस किस का मिश्रण है इसमें, यूनान प्लस भारत। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे ऊपर यूनानी आक्रमण हुआ था, इंडिया के ऊपर, इंडिया के आंतरिक हिस्सों में नहीं आया लेकिन यूनान से ही तो आया था, सिकंदर महान, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो उसका प्रभाव था। तो यूनान प्लस भारत की दोनों का मिक्सचर है। हेलेनिस्टिक कला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलेनिस्टिक पेपर में आ जाएगा, कौन सी कला है ये? हेलेनिस्टिक कला नाम है ये। किन दो का मिक्सचर है? इंडियन प्लस यूनान की कला का मिक्सचर, हेलेनिस्टिक कला का उदाहरण, वो देसी कला है ये हेलेनिस्टिक। हेलेना याद है आपको? हेलेना, हेलेना कार्नेलिया, एक महिला का नाम था ना, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जिससे हुई थी, चाणक्य ने करवाई थी, किसकी बेटी थी वो? सेल्यूकस निकेटर की। तो हेलेना से याद कर लो, हेलेनिस्टिक कला, हिंदी इंडियन प्लस यूनानी कला का मिक्सचर है, जिसको हम कह रहे हैं गंधार शैली। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक, इनका मिक्सचर है, हिंद यवन इंडो रोमन, तो भारत और रोम की कला से प्रभावित है, भारत और यूनान की कला से, और हेलेनिस्टिक कला है, हेलेने से, हेलेना से याद रखना, ये अपनी देसी कला है। उम्मीद करती हूं बेसिक बात समझ में आ गई होगी। बड़ी बड़ी मूर्तियां 6-6, 8-8, 10-10 फीट की, एक लाल बलुआ पत्थर से बनी है, एक काली सलेटी रंग से, काली सलेटी वाली गंधार शैली है, जो मिक्सचर है इंडियन रोमन और यूनानी कला का, हेलेनिस्टिक कला उसे कहते हैं। पहली मूर्ति 3 साल बाद राजा बनते ही बनवा दी मथुरा शैली में, लेकिन ज्यादा मूर्तियां बनवाई हैं गांधार शैली में। गांधार वाली का विकास हुआ बामियान के पास, तक्षशिला के पास, पेशावर के पास, गांधार। हमारे वाली का विकास हुआ मथुरा के आसपास।
हमारे वाली में हिंदू धर्म की भी है, मतलब देवताओं की भी है, जैन की भी है और बौद्ध की। उसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध और 6 बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है उन सबके पीछे आभा मंडल बना दिया, दाढ़ी मूछ दिखा दी, इंसान जैसा है लेकिन आभा मंडल है। इसमें इंसान जैसा है आभा मंडल नहीं बनाया, इन्होंने मोटा कपड़ा पहनाया अपने वालों ने, उनका कपड़ा झीना है, मतलब हल्का कपड़ा है, ठीक है। ये बेसिक सा अंतर है, अगर इतना समझ में आ गया तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि गंधार शैली की मूर्तियां कैसी दिखती होंगी और अपनी ये विदेशी मूर्तियां कैसी दिखती होंगी। हैं दोनों इंडियन ही। एक और शैली थी अमरावती शैली, लेकिन उसका विकास हुआ था साउथ में। सातवाहन याद होंगे ना आपको, सातवाहन माँ के नाम से जाने जाते हैं, गौतमी पुत्र शातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उसी को पुलोमा भी कहते हैं, तो वो सातवाहन थे। चलिए, कनिष्क के उत्तराधिकारी। हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कोई शिव का भक्त बन गया, कोई विष्णु का भक्त बन गया। ये कनिष्क खुद किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन इनके वंशज जो है कोई हिंदू धर्म की तरफ मुड़ रहा है, कृष्ण की तरफ, कोई वैष्णव की तरफ। तो वैष्णव ही कृष्ण का भी उदाहरण है, शिव की तरफ। अब देखो पहला, इसके बाद जो इसका बना वंशज, इसका नाम था वशिष्क, कनिष्क जैसा ही है वशिष्क, और इसके बाद जो आया वो हुविष्क था, तो कनिष्क जैसा ही साउंड कर रहे हैं दोनों। और भी आए लेकिन इनके थोड़े से नाम इंपॉर्टेंट है। वशिष्क ने मथुरा को राजधानी बनाया, तो कनिष्क की तो दो राजधानी है, मथुरा और पेशावर, दोनों जगह उसने काम करवाया। इसकी राजधानी मेनली है मथुरा, तो मध्य की तरफ आया। सिक्के पर इसके पर शिव है, स्कंद प्लस कार्तिकेय, तो इसके पर शिवजी भगवान है, कार्तिकेय है। आप जानते हैं कार्तिकेय कौन था? शिवजी के दो बेटे हैं ना, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। कार्तिकेय जो कि मोर को अपना वाहन मानते थे, तो इनके सिक्कों पर शिव भगवान मिले, स्कंद मिले और कार्तिकेय मिले। तो इससे दिखता है कि इसका इंटरेस्ट बौद्ध धर्म से ज्यादा शिव की भक्ति में था, यानी हिंदू धर्म में ज्यादा विश्वास था। जो विमकट विशेषता, याद करो कनिष्क के पिताजी, इनके सिक्के पर याद है त्रिशूल मिला था, नंदी बैल मिला था, तो इससे दिखा था कि इनका इंटरेस्ट शिव में था, यानी कनिष्क के पिताजी का भी शिव में इंटरेस्ट था और कनिष्क के अगले वंशज का भी शिव में इंटरेस्ट है। लेकिन कनिष्क का इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है? बौद्ध धर्म में। बाकी धर्मों में इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट बौद्ध में। वैसे हिंदू धर्म का भी इजाफा चला लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा बौद्ध धर्म। इसका जो अगला वंशज हुआ हुविष्क, इसका देखो इंटरेस्ट वैष्णव धर्म में है, तो शिव और विष्णु ये तो अपने इंडियन धर्म हिंदू धर्म में तो माने जाते हैं। सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु है, चार भुजाओं वाले विष्णु की फोटो है, जो इसके अगले से अगले वंशज का है, यानी इसके पिताजी शिव भक्त है, इसका अगला वंशज शिव भक्त है, उससे अगला विष्णु भक्त है। ये खुद क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी, तभी तो चौथी बौद्ध महासंगीति करवाई थी। वासुदेव सेकंड, ये अंतिम हुआ। वासुदेव बड़ा टेंशन देगा तुम्हें, वासुदेव जगह जगह नाम आया, आज इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कहां वृहद्रथ आएगा कहां वासुदेव आएगा, क्योंकि एक जैसे कईयों के नाम है। तो वासुदेव सेकंड जो है ये अंतिम शासक है। अब इसने शिव प्लस विष्णु दोनों की मूर्तियां बनवाई, लेकिन इसका इंटरेस्ट था विष्णु भगवान में, तो इसने शिव और विष्णु का मिक्सचर करवाया। ये जो लास्ट है ये पिछले वालों का मिक्सचर है। अब फिर दोबारा एक बार देखते हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है विम, वो किस चीज का भक्त था? शिव भगवान का। त्रिशूल से दिखता है हमें, नंदी बैल से दिखता है कि शिव में उसका इंटरेस्ट था। कनिष्क का ज्यादा इंटरेस्ट था बौद्ध धर्म में, तभी तो बुद्ध की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनवाई। उससे अगला जो आया उसका इंटरेस्ट था वापस से शिव में, और फिर जो उससे अगला आया उसका इंटरेस्ट था वैष्णव धर्म में, और फिर जो लास्ट आया जिसका नाम था वासुदेव सेकंड, ये लास्ट है इस वंश का, कुशाण वंश का, इसने दोनों के चित्र बनवाए लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा किसमें लिया? वैष्णव धर्म में। तो इससे ये पता चलता है कि ये हिंदू धर्म को भी इंपॉर्टेंस देता था ये कुशाण वंश, ये विष्णु भगवान की मूर्तियों को भी इसने काम में यूज में दिखाया, शिव भगवान की को भी सिक्के पे यूज किया, और ज्यादा इंटरेस्ट जो सबसे बड़े ने लिया वो बुद्ध धर्म में लिया, बौद्ध धर्म में। कनिष्क मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चलो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, मेन फैक्ट्स थे ये। अब आते हैं लास्ट बात पर, कनिष्क की बात पर। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? सबको पता है 78वीं। क्या स्टार्ट हुआ? शक संवत। जिस दिन ये गद्दी पर बैठा कहते हैं उसी दिन शक संवत की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मूर्ति कब बनवा दी? महज 3 साल बाद, 78 में बैठा, 79, 80, 81। जो पहली मूर्ति बनी किस शैली में बनी? गांधार में नहीं बनी, इंडियन। कौन सी शैली थी ये? मथुरा शैली। ये एग्जाम में पूछते हैं बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बनी है? मथुरा शैली में। लेकिन ज्यादा मूर्तियां किसमें बनी है? गांधार शैली में। गांधार शैली में कैसा रंग था? पत्थर काला और सलेटी रंग का, जबकि अपने यहाँ क्या था? लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला शैली में, अच्छा ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो पहली मूर्ति है ये किसमें बनी? मथुरा कला शैली में। फिर कहां लेकर गए? सारनाथ में इसको स्थापित कर दिया। सारनाथ पता है ना, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वचन दिया था, अपनी पहली दीक्षा दी थी। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को। वो जगह कहलाती है सारनाथ, पहला इनका प्रवचन, पहली शिक्षा। तो ये सारनाथ में, क्योंकि वहां उन्होंने पहला ज्ञान दिया, वहां पे इनकी मूर्ति स्थापित करवा दी। किसने किया ये काम? कनिष्क ने। इंपॉर्टेंट है शैली कौन सी है? गंधार शैली, ये मथुरा शैली। गंधार में ज्यादा बनी है जो विदेशी वाली है, अपनी वाली में पहली मूर्ति। चीनी सेनापति, देखो चीन से भी लड़ाई होती थी उस टाइम, आज भी लड़ाई हो रही है चीन से, तब भी लड़ाई होती थी चीन से। और ये मत भूलो कि कनिष्क तो थे ही यूची कबीले के, जो चीन से ही भाग के मध्य एशिया गया था और वहां से इंडिया में आया था। तो चीनी सेनापति थे पांचाओ, नाम इनका है पांचाओ, कहीं ऐसा भी लिखा है पांचाओ। तो पांचाओ नाम का चीनी सेनापति था, कनिष्क के साथ इसका युद्ध हुआ था। कनिष्क के जो पूर्वज थे ये भी तो चीन से ही भाग कर आए थे, तो अपने ही किसी पूर्वज के बाद इसकी, जब इंडिया का राजा है तब इसकी लड़ाई होती है। चीनी सेनापति का नाम है पांचाओ। ये पूछ सकते हैं कि कनिष्क का युद्ध किस चीनी सेनापति के साथ हुआ, 4-5 नाम आ जाएंगे, तो पांचाओ याद रखना, ठीक है। ये कनिष्क का टॉपिक यहां तक इंपॉर्टेंट था, और इससे ज्यादा कनिष्क पर क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। मैंने सिक्के बता दिए, इसके वंश बता दिए, इसके पूर्वज बता दिए, इसके सारी शैलियों के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा वंश एक दिन बीच में रह गया था, चेदी वंश। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजे हुए थे कि मैम क्या चेदी वंश जो है, इसका एक बड़ा राजा था ना, क्या नाम था उसका? खारवेल। तो कईयों ने पूछा था कि क्या खारवेल एक राजा था या वंश था? खारवेल एक राजा का नाम था, जैसे कनिष्क एक राजा है ना, ऐसे खारवेल एक राजा का नाम है। हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? एक बहुत बड़ा अभिलेख है, हाथी गुंफा अभिलेख, नाम है उसका हाथी गुंफा। उसमें ना 17 लाइन लिखी है, पूरी चट्टान पर ऐसे लंबी लंबी लाइन लिखी है 17। उन 17 में पानी टपक टपक के, क्योंकि गुफाओं के अंदर लिखते थे ये, चट्टानों के ऊपर गुफाओं के अंदर, तो पानी टपक टपक के, उनमें से ज्यादातर लाइन तो पढ़ी ही नहीं गई, वो इतने साल पुरानी है कि वो खुरदरी होकर मिट गई सारी। लेकिन 4 पढ़ी गई, जिनसे अंदाजा लगा कि ये बड़ा राजा रहा होगा चेदी वंश का। और खारवेल नाम के राजा ने ही वो अभिलेख लिखाया है, जिसका नाम है हाथी गुंफा अभिलेख। अपनी बड़ाई करने के लिए अभिलेख लिखवाए जाते थे, कोई अपनी हार
कभी अभिलेख में नहीं लिख पाता था, अपनी बड़ाई। याद करो नाना घाट अभिलेख, क्या लिखवाया गया था कि हमने बौद्धों को भूमि दान दी, तो अपने बड़प्पन की बात कर रहे हैं ना, सब अपनी अच्छाई लिख पाते थे। लेकिन अशोक को भी याद रखना, जिसने अपनी गलती भी चट्टान पर लिखवाई थी। 13वां बहुत बड़ा शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अपनी गलती मानी है, एक तरह का माफीनामा है, और ये माना कि मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, चेदी वंश है, इसी वंश का एक नाम है महामेघवाहन, पेपर में आ जाएगा। खारवेल किस वंश का था, तुम चेदी ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चेदी वहां लिखा ही नहीं होगा। चेदी वंश का ही एक नाम क्या है, महामेघवाहन। महामेघ बहुत भारी भरकम मेघ, महामेघवाहन ये वंश है, चेदी वंश का ही नाम, फेमस चेदी वंश है, पर पेपर में जानबूझ के दुखी करने के लिए ये वंश दे देंगे, कहेंगे खारवेल राजा कहां का था। तो इसमें एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा ये एक चट्टान पे लिखा हुआ, बहुत लंबी चौड़ी चट्टान पर 17 लाइन में लिखा हुआ अभिलेख था। लेकिन देखो 17 लाइन में से पढ़ी कितनी गई है, 4 पठनीय है, सिर्फ 4 है पठनीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग पर इन्होंने राज किया, उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा ये है आज का कलिंग। नेक्स्ट देखो, खारवेल राजा जिनसेन, जिनसेन का चैप्टर आपको याद है, एक आदमी था महापद्मनंदन, जो धनानंद के पिताजी थे, धनानंद के पूर्वज थे। इन्होंने कभी अटैक किया था धनानंद के पिताजी ने उड़ीसा के इलाके पर, और वहां पर खारवेल नाम का जो राजा, बहुत बाद में हुआ, ये क्या कहता है। अच्छा ठीक है, तो खारवेल ने क्या लिखा था, खारवेल बहुत बाद में हुआ, खारवेल बाद में कहता है कि भाई मैंने हमारे एरिया से कभी मगध का एक बहुत प्रतापी राजा आया था हमारे ऊपर अटैक करने, वो ये दिखा रहा है कि मेरे पूर्वज तो कमजोर थे जो कोई इस एरिया के थे, अब मैं कितना ताकतवर हूं। महापद्मनंदन का सिक्का चलता था, ताकतवर राजा था, वो आया, उसने हमारे इस एरिया पर जहां हम आज राज कर रहे हैं, मतलब उड़ीसा के एरिया पर कलिंग पर अटैक किया, हमारे यहां एक नहर बनवाई थी तमसुली नहर, और यहां से हमारी जिनसेन की, जैन धर्म की बहुत बड़ी मूर्ति ले गया। लेकिन मैं उस प्रतिष्ठा को वापस लाया, मैं उस मूर्ति को मगध से लड़के झगड़ के छीन के युद्ध में उनको हरा के वापस लाया। ये अपनी बड़ाई किसने लिखवाई है, खारवेल नाम के राजा ने, कहां लिखवाई है, बड़ी भारी भरकम चट्टान पर, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल राजा किस वंश का है, चेदी वंश का, जिसका एक नाम है महामेघवाहन। महामेघवाहन, अब देखो क्या कहते हैं, खारवेल राजा है, एक राजा है, ये कोई ग्रुप ऑफ किंग नहीं है। जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन ये किस धर्म के हैं, भगवान के रूप में है जिनसेन की मूर्ति, जैन धर्म की। इस जिनसेन को ही जीतसेन भी लिखा है एक आधी किताब में, जीतसेन या जिनसेन, या इन्हीं का एक नाम है शीतलनाथ, कहीं कहीं शीतनाथ लिखा है, कहीं कहीं शीतलनाथ भी लिखा है। जिनसेन सबसे ज्यादा फेमस है, जिनसेन आ जाए, जीतसेन आ जाए, शीतलनाथ आ जाए, शीतनाथ की ये बहुत बड़ी मूर्ति थी, जो उठवा के कौन ले गया था, महापद्मनंदन। किनकी थी ये मूर्ति, कलिंग वालों की। वापस कौन लाया, चेदी वंश का एक प्रतापी राजा जिसका नाम है खारवेल, जिसने कहां लिखवाई ये बात, हाथी गुम्फा अभिलेख में, जिसमें 17 लाइन है लेकिन पठनीय सिर्फ 4 रह गई हैं। तो चेदी वंश इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के आसपास ये राज करते थे, आज के उड़ीसा के आसपास। कलिंग, तो कलिंग युद्ध तो हुआ था उड़ीसा के इलाके में अशोक का, और इनके वंश का ही नाम था महामेघवाहन। तो अब हम लोगों ने ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जो कि कहलाता था मौर्योत्तर काल। अब एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा दूं, तब आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। ये दो स्लाइड अभी बता दूंगी, हमने ये बात अभी कर ली, गांधार, मथुरा, ये सब। अब जल्दी से एक रिवीजन इसी चीज का, फिर आज का अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम काफी है, 20-25 मिनट है अभी, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, इंडिया का पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा था, मौर्य। मौर्यों की सारी ताकत का श्रेय जाता है एक टीचर को, जिसका नाम था चाणक्य। इस चाणक्य ने, इस गुरु ने एक अपना ऐसा शिष्य शिक्षित किया कि जिसने अखंड भारत का, अपने गुरु का सपना पूरा किया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख की सेना, हम नहीं कह रहे, विदेशी लिखते हैं, तो विदेशी झूठ क्यों लिखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी कि शायद 1 लाख या 6 लाख की सेना के मालिक थे, और जिसकी सेना ही 1 या 6 लाख की होगी, इमेजिन करो जनसंख्या कितनी होगी, टेरिटरी कितनी बड़ी होगी। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, और लगभग भारत पर इनका राज था, सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब इनके हिस्से में था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा बिंदुसार राजा बना, और ये भी याद करो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्र जो ये थे ना बाहु, जो दक्षिण की तरफ जो बिना वस्त्रों के रहने वाले दिगंबर बहुत बड़े जैनी थे, ये ले गए थे। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जैन धर्म में चले गए थे। इन्होंने जाके अपने जीवन का अंत समय जो काटा था, श्रवण बेलगोला में काटा था। चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी, और भूखे रह रहे के, तड़प तड़प के भूख से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, संलेखना विधि से। जैन धर्म में इनका बहुत विश्वास था। इनका बेटा था बिंदुसार, जो मैंने बताया था कैसे बकरी के गर्भ में उसको रखा गया, उसकी माँ का जो पेट चीर के कैसे चाणक्य ने उसको निकाल लिया था, वो सारी कहानियां। उसके बाद अगला राजा कौन बना था, अशोक। अशोक बहुत प्रतापी राजा था, अपने 99 भाइयों का वध करके राजा बना, लेकिन महज 8 साल बाद एक ऐसा युद्ध लड़ा कि उसने जीवन का सार ही बदल दिया, और 261 ईसा पूर्व में इनके मन में ये आ गया कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये प्रचार प्रसार करते गए करते गए अपने क्षत्रिय धर्म से हट गए, और इसलिए इनके वंशज कमजोर हुए। उन्हीं कमजोर वंशजों में एक आदमी था बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर दी, क्योंकि बौद्ध धर्म को लगातार बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे उस टाइम के कुछ लोग। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, दूसरे से चिढ़ना बहुत ही नॉर्मल था, तब भी था ऐसा। तो ब्राह्मण एक सेनापति ने उनकी सेना में पहले एक छोटे से सैनिक के रूप में एंट्री ली, धीरे धीरे अपने शक्ति दिखा के सेनापति के पद पे बैठा, लायक रहा होगा तभी सेनापति बना होगा। फिर उसने सेना पूरी ब्राह्मणों से भर ली, और फिर लास्ट बृहद्रथ की हत्या करके अपना वंश चला दिया। ये वंश क्या था आप समझ गए हैं, पुष्यभूति मित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश ब्राह्मणों के उत्कर्ष का सबसे बेहतर काल था, और इस टाइम पर ही मनुस्मृति लिखी गई। फिर शुंग के वंश में 10 राजा हुए, जिनमें से 3 के नाम मैंने तुम्हें बताए थे, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र उसका बेटा जिसके ऊपर किताब लिखी गई बहुत बाद में जाके, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की संस्कृत में लिखी किताब है। और इसके बाद वसुमित्र था, जिसका युद्ध हुआ था इंडो यूनानी शासक मिनांडर के साथ सिंधु नदी के तट पर। भागभद्र बताया था, जिसके एरिया में आके एक विदेशी हिंद यवन
आदमी ने गरुड़ स्तंभ लगवाया था बेस नगर या विदिशा में, ऐसे 10 इसके वंश में हुए, फिर इनका खात्मा कर दिया। और अगला वंश आया था कण्व वंश, बहुत छोटा टाइम पीरियड था, कहीं इतिहास में नाम नहीं क्योंकि कुछ किया ही नहीं, कुछ सालों में चारों चले गए और फिर उनका खात्मा करके आ गए थे सातवाहन। सातवाहन इंडिया में बड़े नाम देसी राजाओं में गिने जाते हैं। इनमें मैंने बताया था कि अलग अलग 30 हुए, जिनमें से 19 की जानकारी देता है मत्स्य पुराण। पुराण आप अच्छी तरह जानते हैं 18 है, जिनमें राजवंशों के पूरे बारे में लिखा है, तो 30 में से 19 प्रतापी राजा, जिनके एक एक के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। जब ये सब चल रहा था उसी टाइम इंडिया पर विदेशी अटैक भी हो रहे थे, और इन्हीं विदेशियों में हमने पढ़ा था हिंद यवन के बारे में, शक के बारे में, पहलव के बारे में। पहलव इंपॉर्टेंट नहीं था, बताया था सिर्फ माउस राजा, कुछ नहीं किया उन्होंने। और फिर हमने लास्ट पढ़ाया जो एंड कर दिया कुषाण। तो अब ये आप समझ में आपकी में आ गया होगा कि कैसे मौर्यों के बाद दो अलग अलग पीढ़ियां चल रही हैं, एक विदेशी राजाओं की और एक देशी राजाओं की। फाइनली धीरे 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 ये सब कमजोर हुए और इंडिया में कोई इतनी बड़ी ताकत अब नहीं रह गई थी कि इंडिया पे कोई एक राज कर पाता, और ये धीरे 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 सब चीजें खत्म होने लगी। इंडिया वापस से उभरेगा, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ मान लो, ऐसा हमेशा होता आया। पहले कोई हीरो है, फिर वो एकदम से खात्मा, फिर कभी बहुत साल बाद दूसरे कोई ऊपर गए, फिर उनका खात्मा, बिल्कुल नॉर्मल है, इतिहास गवाह है कि सदा ही ऐसा चलता आया है। मौर्यों का खात्मा हुआ, और जो अभी हम कई दिन से पढ़ रहे थे वो मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, यानी मौर्यों के बाद का काल। इसमें ही हमने कनिष्क पढ़ा, इसमें ही हमने सातवाहन पढ़े थे, इसी में हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब इन सबके भी धीरे धीरे वंशज कमजोर होने लग गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जनता थोड़ी मरती है, जनता तो एज इट इज रहेगी ना भाई। ये तो मान लो आज के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति टाइप के आदमी थे, ये तो मर गए, इनमें ताकत कम हुई, लेकिन जनता एज इट इज है। अब फिर से कोई ऐसा आएगा जो इन सबके ऊपर राज करेगा, जो इंडिया को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, और उसी साम्राज्य को जो हम पढ़ेंगे अब के बाद वो कहलाएगा गुप्त काल। ये इंडिया का गोल्डन पीरियड है। इंडिया में कहते हैं सबसे बेस्ट, अगर कोई टाइम इंडिया ने देखा है ना, जिस टाइम में साइंस, आर्किटेक्चर, मैथ्स, उस टाइम के लोगों की रीजनिंग, उस टाइम के लोगों के जो डॉक्टर जो उस टाइम के थे वैद्य, या उस टाइम के जो टीचर्स थे, या उस टाइम के जितने लेखक थे, कवि थे, वो आज तक के बेस्ट हैं। और आज भी मैं और तुम उन सबका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो आर्यभट्ट रहे हों। मैथ्स में सबसे बड़ा नाम इंडिया में अगर किसी का है आज भी आर्यभट्ट का है, आर्यभट्ट को कोई बीट थोड़ी कर पाया है, इसी टाइम की देन है। आज भी जब हम बात करते हैं संस्कृत में सबसे बेहतर किसने लिखा, तो हम बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास से ऊपर आज तक इंडिया में संस्कृत में किसी ने लिखा नहीं है, चाहे कितनी ही एडवांसमेंट हो गई, कालिदास भी इसी काल की देन है। आज हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा साइंटिस्ट था जिसको बहुत समझ थी साइंस की, फिजिक्स की और एस्ट्रो की, तो वराह मिहिर थे। ऐसे ही धनवंतरी का नाम सुना होगा, चरक का नाम, सुश्रुति, ये सब कनिष्क और गुप्त के बीच के दौर के टाइम की बात कर रही हूं। तो ये बहुत बेहतरीन काल था, और इंडिया का अगर कोई गोल्डन पीरियड कहलाता है ना इंडिया की हिस्ट्री में, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल, तो वो इसी को कहा जाता है। इस टाइम पे इंडिया में बेस्ट किताबें लिखी गई, बेस्ट बिल्डिंग्स बनी हैं, बेस्ट साइंस का एग्जांपल मिलेगा, हर चीज जो थी, चाहे वो डांस था, वो कोई आर्ट थी, वो कोई क्राफ्ट था, वो कोई बिल्डिंग बनानी थी, वो कोई मंदिर बनाने थे, कोई किताब लिखनी थी। यानी अगर हम कहें समाज का विकास कैसे पहचाना जाता है, तो समाज का विकास तब होता है जब समाज सेफ हो, समाज में सब लोगों के पास काम धंधे हो, सब लोग खुश रहें, जीवन अच्छा चले, साइंस बहुत एडवांस हो, मैथ्स बहुत एडवांस हो, और चारों तरफ हर तरफ पॉजिटिव माहौल हो। इस तरह का माहौल जो आज हम सिर्फ सोच पा रहे हैं, यह माहौल इस टाइम पर लोगों ने जिया था। इतनी आजादी थी, यह लिखा है किताबों में उस टाइम में, कि लोगों को घर में ताले नहीं लगाने पड़ते थे। आपके घर में कितनी ही धन दौलत है, आपके घर में कितना ही गोल्ड है, आप अपने कहीं बाहर जा रहे हैं ना 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने के लिए, तो अपने घर को सिर्फ बाहर से कुंडी लगा के चले जाएंगे। चोरी नाम की चीज नहीं थी इस टाइम पर, यह बेस्ट टाइम था, चोरी करते ही नहीं थे लोग, क्योंकि सब जगह समृद्धि थी, तभी तो इसका नाम गोल्डन एज है। अपने दौर में सबसे बेहतर जितना हिस्ट्री अब तक हमने पढ़ी है, और आने वाले समय में भी गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड का काल, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रतापी राजा थे, कई बड़े बड़े राजा इसमें हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी जो दो स्लाइड रह गई थी ना, इनके बारे में और बातचीत कर लेते हैं, फिर इसकी स्टार्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन वाली स्लाइड मैंने दो बनाई थी, क्योंकि फिर वरना तुम्हें दिक्कत आती है, तो पढ़ा दिया ना। देखो संबत, संबत समझते हो, इरा, संबत को ही आप कहते हैं इरा। कोई एक बहुत बड़ा काम होने पर एक नया इरा स्टार्ट हो जाता है, तो इरा ना हमेशा राजाओं ने स्टार्ट किए हैं, जब या तो वो गद्दी पे बैठे तब, या उन्होंने को बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई तब, उन्होंने अपने नाम से कोई इरा चला दिया। इनमें देखो तीन इरा, क्योंकि अब तक ये पढ़ा दिए या पढ़ेंगे, बस गुप्ता स्टार्टिंग बता दी ना, फिर इसको पढ़ेंगे। एक हिजरी संबत भी है, वो 622-23 में जब आएगा तब बता दूंगी। ये तीन इरा लोगों को याद नहीं होते, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। विक्रम संबत, मालव संबत, कृत संबत, इसकी हिस्ट्री तुम्हें बताई थी, शकों की 5 शाखाएं आई थी, एक अफगानिस्तान में, 2 उत्तरी क्षत्र थे तक्षशिला मथुरा वाले, और 2 पश्चिमी थे नासिक और मालवा वाले। और याद करो मालवा के शकों को एक इंडियन देसी राजा ने, इसका नाम था विक्रमादित्य, पीट के भगा दिया था, और वो वहां से मालवा से भाग के मथुरा चले गए थे। फिर बहुत बाद में उसी मालवा में रुद्रदामन नाम का एक प्रतापी राजा जन्मा था, जिसने देखो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, पहला अभिलेख। ये कहानियां अगर आप रोज सुनते और पढ़ते और नोट्स बना रहे ना, तो आपके लिए टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बस कानों पे से निकाल रहे हैं, तो फिर ये बहुत टफ है, फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए नोट्स बनाने और बार बार पढ़ना पड़ता है। तो विक्रम संवत, ये एक देसी विक्रमादित्य राजा, इंडिया की हिस्ट्री में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, ये देसी एक छोटा सा राजा था, जिसने शकों के, मालवा के शकों को हरा दिया था, पश्चिमी क्षत्र के शकों को हराया था, और जो हराया था जिस साल में वो था 57 ईसा पूर्व में, यानी 0 से 57 साल पहले। किस खुशी में चलाया ये, इसने मालवा में शकों को हरा दिया था। ये कौन से शक थे, पश्चिमी क्षत्रप वाले। अब जो पढ़ के आए हैं ना, 3-4 दिन पहले ये पूरा डिटेल समझाया था, उन्हें समझ में आ गया होगा। तो ये 57 AD मत कराना, ये BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट जानते हो ना, सारा गेम उल्टा चलता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म से पहले हैं, तो ये डेट घटते 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 आती है। इसको कभी नहीं कहते कि अगर ये 57 कह रहे ना, तो इसके बाद फिर अगला साल आएगा 56, फिर 55, फिर 54। आज अगर देखें 2020 है, अगला साल 2021 होगा, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब AD चल रहा है, ये BC है, उल्टे घूमते साल आते हैं इसमें। अगला है शक संबत, ये भी तुम जानते हो, कनिष्क ने चलाया है, कनिष्क जो आज हमने एंड किया है चैप्टर, कनिष्क शक संबत चलाएगा। श मैंने कल भी बताया था, कुछ
कुशाण वंश का है। पिताजी का नाम है विम कड़फिसे। सोने के सिक्के चलाए थे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। वैसे सोने के सिक्के हिंदी अवधों ने चलाए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुशाण राजाओं ने, कनिष्क ने, जिसे चौथी बौद्ध महासंगीति की, जिसकी दो राजधानियां थी, एक पेशावर या पुरुषपुर और एक थी मथुरा। शैली मैंने अभी सारी एक्सप्लेन कर दी। तो जैसे ही राजा बना, इसके टाइम पे शक संवत स्टार्ट हो गया। गुप्त संवत जो हम आगे पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, जो अब तक हम पढ़ते थे ना, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका सरनेम मौर्य था क्योंकि उसकी माँ का नाम था मूरा, और वो अपने पिताजी के नाम से नहीं जाना जाता, वो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके पिताजी का तो मर्डर करवा दिया था। कहते हैं महापद्मनंदन ने, जो अपने आपको सर्व क्षत्रियो संघारक कहता था, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और ऐसा कहीं कहीं लिखा है बौद्ध ग्रंथों में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी क्षत्रिय थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन और बौद्ध को बढ़ावा दिया था ना इनके वंशजों ने। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति को बिलोंग करते थे, वृषल थे, कुलहीन थे। ये ऐसी बातें तब लिखी गई हैं जब हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा था, और इनके लिए अच्छाई कब लिखी गई है, जब बौद्ध और जैन आगे बढ़ रहा था। विदेशी कहते हैं ना वो अच्छा था ना वो खराब था, नॉर्मल आदमी था, साधारण कुल में जन्मा था। तो अब हम जो पढ़ेंगे ना आगे, वो उस आदमी का नाम चंद्र है और उनके पीछे गुप्त लगा हुआ है, उनका सरनेम में गुप्त आएगा। श्रीगुप्त से स्टार्ट होगा, फिर घटोत्कच गुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, ऐसे करते 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 भानुगुप्त एक लास्ट बड़ा राजा, और फिर एंड हो जाएगा कुछ सालों बाद जाके। यानी इनका सरनेम गुप्त है, जबकि जब तक हम पढ़ते थे चंद्रगुप्त, उनका सरनेम था मौर्य। वो अपनी माँ के कारण, मूरा नाम की थी ना उनकी माँ, तो अपनी माँ की आइडेंटिटी के लिए उन्होंने मौर्य लगाया था। उम्मीद करती हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। उस चंद्रगुप्त मौर्य के तो बस तीन वंशज इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन, खुद चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक, फिर तो बाद में सारे कमजोर थे। तो ये तीनों सन याद रखना। जो हम गुप्त की बात करेंगे ना, इसमें तीसरे नंबर का राजा है ये चंद्रगुप्त, जिसके नाम से जब ये राजगद्दी पर बैठेगा तो एक संवत स्टार्ट हो जाएगा, एक इरा चल पड़ेगा। तो अब तक हिस्ट्री में हम तीन इरा जान चुके हैं। सबसे पहला इरा था 57 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य नाम के देसी राजा ने मालवा के शकों को भगा दिया था, हरा दिया था, तो उसने स्टार्टिंग कर दी 57 ईसा पूर्व में। फिर पहला राजा जो बड़ा राजा था कुशाणों का, जिसका नाम था कनिष्क, जैसे ही गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में इसने शक संवत चला दिया। हमारा इंडियन कैलेंडर बेस है ना, वो इसको मानता है, साका इरा या शक संवत, साका इरा इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये चैत्र इसी का पहला महीना इसी पर बेस्ड है। 78 ईस्वी है वो, ईसा पूर्व है, एडी है ये। और अगला है गुप्त संवत, ये भी एडी में है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय पहला बड़ा राजा, द्वितीय उसके बाद आएगा, उसका पोता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये परेशान करेगा एग्जाम में, ये मैंने बता दिया आपको। एक ये बहुत दुखी करते हैं, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम इसमें एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। जो मैं लिखवाती हूँ ना, ये जो स्लाइड्स हैं, इसकी जानकारी में कभी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम सोच कुछ रहे होते हैं, जबान से कभी नाम हो सकता है कहीं मिक्स होकर निकल जाए, लेकिन जो स्लाइड्स है ना, ये 100% ऑथेंटिक स्लाइड्स हैं, क्योंकि ये नोट्स में से बनाई गई हैं। तो जब मैं बोलती हूँ, कभी हो सकता है गलती से मेरे दिमाग में ना रहे, जबान कई बार ऐसा हम सोच कुछ रहे होते हैं बोल कुछ देते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो नोट्स में है, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अशोक का वंशज बृहद्रथ। ये सब कंफ्यूज करेगा, पेपर में पढ़ा दिया सारा, लास्ट स्लाइड सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वो लिख दिए, ये कईयों के क्वेश्चन थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ, जो अशोक के बहुत बाद में जाके इसके वंश में हुआ। इसका मर्डर किसने कर दिया था, पुष्यभूति, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यभूति भी एक आदमी है, ये बार बार पुष्यभूति निकल रहा है ना, एक आदमी का नाम है, हर्षवर्धन के टाइम पढ़ेंगे 600 के बाद, लेकिन अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, इसकी बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश, ब्राह्मण वंश, ब्राह्मणों के चरमोत्कर्ष का टाइम था, मनुस्मृति की रचना इसी टाइम पे हुई है। तो इसकी हत्या इसने, क्योंकि ब्राह्मण समझ गए ना, क्योंकि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, बृहद्रथ का मर्डर कर दिया पुष्यभूति, ये पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश के ने। अब इसके फिर बेटे हुए थे, 10 आदमी थे इसमें, पुष्यभूति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुष्यमित्र, अच्छा ये ठीक है, पुष्यभूति में कोई दिक्कत नहीं, शुंग से याद रखना, ठीक है। वैसे पुष्यमित्र है, पुष्यभूति भी एक आदमी आएगा, ये तुम इसमें बाद में कंफ्यूज रह जाओगे, इसीलिए शुंग से याद कर लो, शुंग ब्राह्मण धर्म था। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, तीनों के नाम में मित्र आया था ना, पुष्यभूति भी कैरेक्टर है ये, ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है ये, लेकिन ये हर्षवर्धन के टाइम की बात करेंगे, इसीलिए पुष्यमित्र से याद कर लो, मित्र ना रहे, शुंग से याद कर लो, ठीक है। इसको भूति को हटा देना, मित्र कर लेना, पुष्यमित्र, अग्निमित्र के पिताजी हैं ये, वो कट्टर ब्राह्मण। अब इनके वंश में 10 राजा हुए थे, उनका जो अंतिम शुंग था उसका नाम क्या था, देवभूति। इसका मर्डर किसने किया, देखो इसमें, इस देवभूति की हत्या किसने की थी, वासुदेव ने। 10 हुए थे ना, भागभद्र के बाद हुआ था, देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव ने। इस वासुदेव ने बना दिया था अपना वंश, जिसमें सिर्फ 4 राजा थे, क्या नाम था इसका, कर्ण वंश। इस कर्ण वंश के इतिहास में डिस्प्यूट है, क्योंकि इनके कोई लिखित साहित्य ऐसा है नहीं, मैंने बताया भी था, बहुत लोग तो कहते हैं कि ये इन्हीं के वंशज थे, लेकिन कहीं कहीं लिखा नहीं, अलग है, हम भी अलग मान लेते हैं, क्योंकि किताबों में हेडिंग में अलग है। अब इसके 4 राजा हैं, लास्ट जो दिया गया है ना, ज्यादातर किताबें सुशर्मा या सुशर्मन को मानती हैं, लेकिन जब आप हायर लेवल पर पढ़ते हो तो नारायण का नाम भी कहीं कहीं लिखा है, लेकिन उतने किताबों को हम नहीं मान सकते, क्योंकि ज्यादा किताबें सुशर्मन या सुशर्मा के साथ जाती हैं, तो हम भी टिक करेंगे अगर एग्जाम में आया कि सुशर्मा या सुशर्मन इसका अंतिम सम्राट था। सम्राट कहना गलत है, सम्राट तो बहुत बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे राजा थे। कर्ण वंश में सिर्फ 4 राजा हुए, पहले वाला वो है जिसने मर्डर कर दिया, किसका, उस ब्राह्मण वंश के, शुंग वंश के अंतिम का, जिसका नाम क्या था, देवभूति। पहले वाला कौन था, मित्र, 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 तीनों के नाम में, शुंग वंश वाले, उनके 10 राजा हुए, 10वें का नाम देवभूति है, जिसका मर्डर किसने किया, वासुदेव ने। वासुदेव ने छोटा सा वंश चलाया, ताकतवर नहीं है, कर्ण वंश। इसका लास्ट 99% किताबें कहती है सुशर्मा, लेकिन हायर लेवल पर किताबें कहती है नारायण नाम का आदमी था। हम सुशर्मा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि लगभग किताबें यही लिखती हैं। अब इस सुशर्मा का खात्मा जो किया, या नारायण माने तो नारायण की हत्या वो की थी सिमुक ने, सर से सिमुक, कौन सा वंश चलाया था, सातवाहन, जिसमें 30 प्रतापी राजा हुए, जिनमें से 19 की कहानी
कहानी लिखी हुई है हमारी पुराणों में भी, मत्स्य पुराण के बारे में मैंने शायद जिक्र किया था, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहला अशोक था बहुत ताकतवर जिसका वंश चल रहा था, इसके वंशज धीरे 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 कमजोर हुए और उस लास्ट बृहद्रथ नाम के आदमी का मर्डर कर दिया एक कट्टर ब्राह्मण ने जिसका नाम क्या था शुंग, तो शुंग वंश चल पड़ा उसके नाम पर। पुष्य भूति पुष्य मित्र दोनों कैरेक्टर है, लेकिन मित्र के वो जो तीन नाम है ना अग्निमित्र वसु से याद कर लो, तो पुष्य शुंग से याद कर लेना, शुंग ज्यादा आसान पड़ेगा। इस शुंग के 10 वंश में राजा हुए, 10वें का मर्डर कर दिया एक आदमी ने जिसने फिर अपना वंश चलाया कर्ण वंश, फिर उनका मर्डर कर दिया जिसने उसने चलाया सातवाहन। तो एक जैसे नाम है परेशान करेंगे। देखो पहला बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने, अब इसके शुंग के वंश का लास्ट कौन देवभूति, इसकी हत्या किसने की वासुदेव ने, वासुदेव वाले की हत्या किसने की जो लास्ट था सुशर्मा था कर्ण वंश का, इसकी हत्या कर दी सिमुक ने और उसने अपना वंश चला दिया सातवाहन, और सातवाहन दक्षिण की तरफ इनका मेन काम करता आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। आज जो अभी खत्म किया वासुदेव सेकंड, वो भी तो कनिष्क का लास्ट राजा था, तो ये ध्यान रखना वासुदेव सेकंड भी कनिष्क में कुषाण वंश में लास्ट है। अब देखो वासुदेव यहां भी आया है, ये पेपर में दुखी करते हैं, पहला बृहद्रथ मर्डर किसने किया पुष्य मित्र शुंग ने, तो वासुदेव नाम का आदमी बार बार आएगा इसलिए दोबारा रिवाइज करा रही हूं, पुष्यमित्र शुंग ने मर्डर कर दिया बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग के 10 वंशज हुए जिनका लास्ट वंशज है देवभूति, इस देवभूति का मर्डर किसने कर दिया वासुदेव नाम के आदमी ने जिसने फिर अपना वंश चला दिया कण्व वंश, जिसमें चार ही राजा हुए महज कुछ साल इनका शासन चला, उसमें लास्ट की मान्यता है सुशर्मन की, वैसे नारायण भी, अगर सुशर्मा आए तो नारायण टिक करना, दोनों आ जाए सुशर्मा के साथ। सुशर्मा का मर्डर किसने कर दिया अगर लास्ट सुशर्मा को माने लास्ट नारायण को माने तो भी सिमुक ने, जिसने क्या चला दिया सातवाहन वंश। कनिष्क के वंश में लास्ट कौन है वासुदेव सेकंड, तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग की है, शुंग के लास्ट जिसका नाम क्या था दो नाम में आया था ना देव और भूति, ये मैंने बताया भी था, इसका मर्डर किसने किया है वासुदेव ने, वासुदेव के वंश वाले का मर्डर किसने किया है सिमुक ने, और फिर सिमुक के मर्डर के बारे में कहीं नहीं आया इनके वंश के क्योंकि खत्म हो गया था, इनके मर्डर का जिक्र नहीं है लिखित में, ठीक है। तो कनिष्क का एंड पूछेंगे तो भी कौन आएगा यही वासुदेव नाम का ही आदमी, ये कंफ्यूजन वाली स्लाइड थी। अब आज इसको शुरू नहीं कर रही, इसको स्टार्ट कल ही करूंगी, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं, अब जो इंडिया बनेगा ना अब इनके बाद जब ये सब खत्म हो गया तो इंडिया बनेगा धीरे 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 करके, एकदम से इंडिया का राजा कोई नहीं बन सकता, जो कुषाण है ना ये कुषाण कनिष्क के बाद वाले ये धीरे धीरे कमजोर होने लगे और इनको लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना उसके थोड़े थोड़े मालिक बनाने स्टार्ट कर दिए, और इन्होंने सामंत कि भाई मान लीजिए चार बड़े तगड़े आदमी ढूंढ के अपने सामंत बना लिए, भाई तुम इस एरिया से कलेक्ट करो टैक्स, तुम यहां से, तुम यहां से और तुम यहां से, तो ये सामंत बन गए। अब ये सामंत धीरे धीरे ताकतवर होने लग गए और इनको लगा कि यार ये राजा कमजोर है, इनके बस की है नहीं लोगों से टैक्स कलेक्ट, हमसे करवाते ना तो क्यों ना हम ही राजा बन जाए। और ऐसे ही सामंतों में एक सामंत था जिसका नाम था श्रीगुप्त, इसने अपनी टेरिटरी जो मगध और यूपी के बिहार और यूपी के आसपास था, इसने वहां पे सोचा कि मैं क्यों टैक्स दूं, टैक्स देने से मना कर दिया और अपने नाम के आगे लिख लिया महाराजा, महाराजा मतलब हेड, लेकिन उस टाइम महाराजा ना कोई भी लिख सकता था, सामंत भी महाराजा ही कहलाते थे उस टाइम पर। ये सब कनिष्क के वंशज कमजोर हुए तब की कहानी चल रही है। फिर इसका ये अपने एरिया में ना एक तरह से मान लो टैक्स इकट्ठा करके खुद ही यूज करने लग गया। फिर इसका बेटा हुआ घटोत्कच, ये घटोत्कच कई लोग सोचेंगे पुराना भीम वाला है, वो नहीं है, ये अलग कैरेक्टर है। जो भीम वगैरह थे ना ये सच के कैरेक्टर थे, जो पांडव थे, जो ये महाभारत का युद्ध हुआ ना सच में हुआ था इतिहास में, ये झूठी घटनाएं नहीं है। 900 ईसा पूर्व में यानी वैदिक काल में ये सच के राजा थे और सच में हस्तिनापुर कुरु पांचाली हमने पढ़ा तो है, ये सारे महाजनपद थे, तो ये सच्ची घटनाएं झूठी नहीं है, ये बस दिखा एक्स्ट्रा रखी है, लेकिन सच में भी ये घटनाएं घटी थी। तो जो घटोत्कच था ये भी अपने पिताजी की तरह प्रॉपर्टी का जो सामंत जो बनाया था ना कुषाणों ने, ये मालिक बन गए और इसने भी अपने नाम में क्या लिखवा रखा है महाराजा, तो ये महाराजा बन गए। इस एरिया के टैक्स को देना बंद करके अपने आप इस टैक्स को यूज करने लगे, लेकिन अभी इतने नहीं है कि ये बड़े राजा बने। इसका बेटा हुआ था चंद्रगुप्त, अब इनके नाम में गुप्त, यहां भी गुप्त था, इसने स्टार्टिंग की थी पर ये थोड़े डरपोक थे कि अगर कल को कनिष्क वालों में कोई ताकतवर हो गया तो एकदम से उनके अंडर जाके माफी मांग लेंगे, लेकिन इसने हिम्मत दिखाई चंद्रगुप्त ने और इसने अपने एरिया में ये क्लियर कट कह दिया कि ये मेरा इलाका है और मैं यहां का महाराजा धीराज हूं। महाराजा धीराज इकट्ठे लिखते हैं, मैंने क्योंकि जगह यहां से निकल रही थी इसलिए इकट्ठा नहीं लिखा। महाराजा